स्वागतम है मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वरिष्ठ नेता राजस्थान के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण सिंह जी और दोपहर बाद की इस प्रेस वार्ता में आयोजित आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, 4.5 साल से कुछ समय पहले राजस्थान में किसानों को युवाओं को आश्वासन का पिटारा देकर के एक सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद जिस तरह का आपसी सिरफुटबल नजर आया, लगातार 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था और उनके इस किस्सा कुर्सी के की द्वंद राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले 4.5 साल तक एक एक दिन खून के घूंट पी करके आंसुओं को बहा करके बिताया। सरकार की प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, केवल कुर्सी बचाने की होने के कारण से राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान बेहाल हुआ, योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन जतिवन मिशन से लेकर के अन्य योजनाओं तक सभी के इंप्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के सबसे नीचे की पंक्ति वाले प्रदेशों में जाकर के शुमार हो। शिक्षा के दृष्टिकोण से केवल धोती घोषणाएं और उनके नीचे धरातल पर तैयारी न होने के चलते हुए राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ा। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,010,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हो ऐसा प्रदेश पर। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में पिछले 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंगरेप के मामलों में अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मोलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान 1 नंबर पर हुआ। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ है, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। उसके साथ साथ राजस्थान में राजस्थान पुलिस का जो थे वाक्य अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वस्तु स्थिति ठीक इसके उलट हुई। आज हालात इस तरह से हैं कि जिलों से बंदूकों की नोक पर अपराधी चुराए जा रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में अपराधी गैंग वॉर करके एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं सरेआम गोलियां चला करके हत्याएं करने की वारदातें हो रही है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापारी को, व्यवसायी को, कामगार को धमकी देकर के एक्सटॉर्शन करने की घटनाएं हो रही है और इन सब के चलते हुए धरातल पर पुलिस का ये वाक्य बदल करके हालात ये बयान करते हैं कि राजस्थान के आम जन में डर है और अपराधियों के हौसले चरम पर है। यदि मैं केवल महिलाओं के प्रति
महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करूं, जिनमें जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पहले पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है। मीडिया की खबरों के अनुसार यदि मैं आकलन करता हूं तो राजस्थान में प्रतिदिन 17-18 रेप की ऐसी घटनाएं रजिस्टर होती है और लगभग प्रतिदिन 5-7 एवरेज मर्डर की केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब एकाएक इतनी सारी जो है रेप की घटनाएं बढ़ने के कारण से मुझे लगता है कि वो दिन निश्चित ही लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास का काला दिन होगा कि जिस राजस्थान में रिश्तों की इतनी महत्ता है, जहां सूत का एक डोरा बांध करके भी एक बहन अपने अपने जिसको डोरा बांधा गया उसको भाई मानते हुए, उसको भाई मान करके उससे अपनी सुरक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देगा ऐसा विश्वास करती है, और ऐसे अनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में होंगे। उस राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो है मीडिया के सामने चर्चा करते हुए ये कहा और राजस्थान के रिश्ते नातों को शर्मसार किया कि रेप की अधिकांश घटनाएं रिश्तेदारों द्वारा ही कारित की जाती है। विषय यहीं तक समाप्त नहीं होता। जिस राजस्थान की पहचान पन्नाधाय से, जिस राजस्थान की पहचान झांसी जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी से, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से, जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से होती है, और जिस राजस्थान की पहचान ऐसे लोगों से होती थी, ऐसे रणबांकुरों से होती थी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक एक युद्ध में अपनी कई पीढ़ियां खपा दी, उस राजस्थान में भाई बहन के रिश्ते को सर्वसार करते हुए मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की उससे आगे बढ़कर के राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री अशोक गहलोत साहब के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे भरोसे के मंत्री, जिन्होंने गहलोत साहब की कुर्सी को बचाने के लिए आलाकमान तक को चुनौती दे डाली, ऐसे शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के निर्लज्जता के साथ में यह कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और दुर्भाग्य है कि जब वो निर्लज्जता के साथ में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तब उस विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक ठहाका लगा करके हंस रहे थे और टेबल पीट रहे थे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इन सब परिस्थितियों के बीच जिस तरह से राजस्थान में एकाएक पिछले दिनों में इस तरह की घटनाओं का की सुनामी आई, मैं केवल बाढ़ कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं राजस्थान में हो रही घटनाओं, राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊं, या जिस तरह की भावनाओं का अतिरेक राजस्थान की माताओं बहनों के मन मस्तिष्क में दौड़ रहा है, उनके मन में जितना भय है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई कुछ घटनाओं का यदि उल्लेख करूं कि राजस्थान में 9 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा में 13 साल से लिविंग रिलेशन में रह रही महिला के साथ में आपराधिक घटना होती है। 10 जुलाई को राजधानी जयपुर में मंचले